दोस्तों आप लोगों को पता है कि दिल्ली का जो वेदर है बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, AQI लेवल बहुत ही ऊपर जा चुका है। तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि भैया एयर प्योरीफायर के लिए अपने इंडोर में पेड़ पौधे लगाए ताकि आप लोग सुरक्षित रहे। वही घूम के वही चीज हो जा रहा है कि पहले आप पेड़ पौधे काटे, घर बसाए, मोहल्ला बसाए, बस्ती बसाए और फिर आपको पेड़ पौधा लगाना पड़ रहा है। अगर पहले ही ये काम करते तो कैसा रहता, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का सबसे पहला एयर प्योरीफायर का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 1860 में जॉन स्टेपन हाउस इनका नाम है, इन्होंने पहली बार एयर प्योरीफायर का कुछ बनाया था जिसमें यूज किया था उन्होंने वुड चारकोल। इस तरह कोई न्यूज निकल के आ रही है, आपको ये चीज पता है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक वॉक्स। मॉर्निंग में काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया है, जाके जरूर देखिए। रेडमी और रियलमी के जो कैमरा ऐप है, मतलब MIUI 14 और Realme UI 4.0 में जो कैमरा ऐप में क्या डिफरेंस है जाके बताया हूँ, तो देख लीजिए। बात करते हैं पोल की, हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग, आपके फोन में कितना सिम है। 59% लोगों ने कहा एक सिम है, 35% लोगों ने कहा दो सिम है, कुछ अल्ट्रा लेजेंड 3% लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया तीन सिम है, और कुछ 1% लोग हैं जो बोलते हैं ओनली ई सिम है। आपके फोन में कौन सा सिम है कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं YouTube की। YouTube जो है अब गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जा चुका है और ऑनलाइन गेमिंग हम YouTube पे ही खेल सकते हैं, इस तरह का कुछ फीचर्स आने वाला है फ्यूचर में, इस तरह ही कुछ अपडेट है। और Google Play के हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। ये जो हो गई YouTube की बात, बात करते हैं Redmi की। तो Redmi का K70 जो फोन आने वाला है वो Geekbench पे लिस्ट हो गया है Dimensity 8300 प्रोसेसर के साथ। इस तरह ही कुछ न्यूज निकल के आ रही है, और ये 8200 से 25% ज्यादा फास्टर होगा, ये भी न्यूज निकल के आ रही है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। बात करते हैं अब Redmi की। तो Redmi का Note 13R ये जो है इंडिया में बन के आ रहा है, Poco का X6 Neo बन के नया एडिशन है, और इसमें मिलने वाला है आपको Dimensity 6020 का प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh के बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग और OLED डिस्प्ले 120Hz के साथ। कैसा लगा ये फोन 13 सीरीज में, ये सही है या नहीं आप बताइए कमेंट में। चलिए बात करते हैं अब OnePlus Open की। नया अपडेट के बाद OnePlus Open में eSIM का सपोर्ट आ गया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जाइए आपके पास है तो देखिए, लाख डेढ़ लाख रुपए है तो। वहीं बात करते हैं WhatsApp की, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि WhatsApp चैनल पे 500 करोड़ लोग एक साथ ऑनलाइन देखे जा रहे हैं, इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है। आप हमारा चैनल फॉलो किए हैं या नहीं, अगर नहीं किए हैं तो टेलीग्राम में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स में भी 10 से ज्यादा नए गेम आने वाले, इस तरह कुछ अपडेट है। लेकिन बात करते हैं हॉनर 100 की, तो ये फोन जो है 29 नवंबर को लॉन्च होने वाला है चाइना में, उसके बाद इंडिया में देखने को मिलेगा। लेकिन ये फोन में आने वाला है Snapdragon 7 Generation 3। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। और ये 7 Generation 3 जो है GPU के मामले में 25% और CPU के मामले में 50% ज्यादा फास्टर है Snapdragon 7 Generation 2 से। इस तरह कुछ न्यूज निकल के आ रही थी। एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया इसका स्पेसिफिकेशन बताए, तो स्पेसिफिकेशन वाला वीडियो जरूर आएगा बहुत ही जल्दी। चलिए बात करते हैं गूगल मैप के। गूगल मैप में नया फीचर्स आया है ट्रांजिट रूट, जिसके हिसाब से क्या होगा कि जैसे जैसे आते जाएगा कुछ भी चीज, जैसे होटल आ रहा है, मॉल आ रहा है, पेट्रोल पंप आ रहा है, तो इमोजी पॉपअप होगा और आपको बताएगा कि भैया आ गया, गाड़ी साइड में लगाई है। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, अगर ऐसा होता है तो मजा आ जाएगा। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। बात करते हैं फेसबुक या मेटा या फिर इंस्टाग्राम की। ऐसा बताया जा रहा है कि फोटो एडिट और वीडियो एडिट का नया AI टूल आने वाला है, जिसके हिसाब से हम कुछ भी कहीं भी किसी के साथ भी एडिट कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। करते हैं ट्राई की, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि वर्ल्ड कप के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि अगर वर्ल्ड कप हो रहा है जो कल होने वाला है, आप लोग पता है संडे को, ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप की वजह से बहुत सारे ऐसे कॉल या मैसेज आने वाले हैं आप लोगों को, जिससे आप बहुत ज्यादा करोड़पति लखपति बन सकते हैं। तो अभी कुछ दिन ट्राई की तरफ से ये वार्न हुआ है कि कोई भी फालतू जगह पर मैसेज वगैरह को क्लिक ना करें, कोई भी अननोन नंबर को मतलब रिस्पांस नहीं दे, इस तरह की कुछ फीचर मतलब आया है। तो देखिए थोड़ा सिक्योर रहिए, सतर्क रहिए और फॉलो करिए टेकबॉक्स, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 इसका इमेज आ गया जो आप देख सकते हैं। वैसे कैसा लगा ये इमेज कमेंट में जरूर बताइए।
चलिए वक्त होता है आपके सवाल लेने का। जेम्स साउंड का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर अंडर 5000 में बेस्ट ड्रोन बताइए। देखिए 5000 में बेस्ट ड्रोन तो ऐसा है भैया कि ऑनलाइन अगर देखा जाए तो DJI वगैरह का देख लीजिए, अगर आपको सेकंड हैंड मिलता है तो वो ले लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। या फिर थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम अपने घर जाएंगे तो वहां पर सारा कुछ रिसर्च करके एक वीडियो आपको जरूर देंगे। बेस्ट ड्रोन अंडर 5000, वैसे ऑफलाइन आप चेक कर सकते हैं, लेकिन खरीदिएगा नहीं, पहले देख लीजिएगा IP रेटिंग वगैरह, उसके बाद बाय करिएगा। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।